मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन आरशी एजुकेशन हब बांसुर ऑनलाइन क्लासेस। टुडे वी स्टार्टिंग यूनिट नंबर 2, रिमेनिंग पार्ट दैट इज ईथर, एंड दिस पार्ट वी ऑलरेडी सी इंट्रोडक्शन ऑफ ईथर, एंड आल्सो वी सी द डाईइथाइल ईथर स्ट्रक्चर। नाउ वी सी द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन दिस फर्स्ट मेथड दैट इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर, दैट इज लेबोरेटरी मेथड। इन दिस लेबोरेटरी मेथड वी सी टू मेथड्स मोस्टली। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द फर्स्ट मेथड विद एल्कोहल, दैट इज यूज एथेनॉल रिएक्ट विद कंसंट्रेट H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड विच रिएक्ट विद एल्कोहल। इन दिस पार्ट वी डिहाइड्रोजनेशन प्रोसेस इज कम्स, एंड ड्यू टू दिस देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल रिमूव। ओके, इस कंडीशन में आप देखिए H2 मॉलिक्यूल को रिमूव कर दिया है और इसके फॉर्मेशन में आपको CH3 CH2 HSO4 एथिल का हाइड्रोसल्फेट आयन मिल चुका है। दैट मीन्स दैट इज कॉल्स इथाइल हाइड्राइड सल्फेट। ओके, अगेन इन नेक्स्ट स्टेप इथाइल हाइड्राइड सल्फेट रिएक्ट विद एथेनॉल, बिकॉज एथेनॉल इज टेक इन एक्सिस एंड फॉर्मेशन ऑफ C2H5O C2H5, दैट इज डाईइथाइल ईथर का फॉर्मेशन कहाँ से करेंगे? कंसंट्रेट H2SO4 की रिएक्शन कराएंगे, और कंसंट्रेट H2SO4 को यूज करने के ड्यूरेशन में आपको क्या मिलेगा? वन स्टेप में इथाइल हाइड्राइड सल्फेट मिलेगा, और इथाइल हाइड्राइड सल्फेट अगेन किससे रिएक्ट करेगा? एथेनॉल से रिएक्ट करेगा, और इस प्रोसेस के अंदर आपको यहाँ से CH2 CH3 वाला पार्ट है, ये C2H5 पार्ट यहाँ से ऑक्सीजन वाला पार्ट है, ये वापस यहाँ से H2SO4 कंसंट्रेट H2SO4 वापस रिमूव हो जाएगा, और जो अपने यूज किया था कंसंट्रेट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड वो अगेन अपने को यहाँ पर वापस मिल जाएगा। दैट मीन्स दिस रिएक्शन इज कॉल्ड लेबोरेटरी मेथड में अपन ने देखा एथेनॉल और कंसंट्रेट H2SO4 की रिएक्शन कराते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इथाइल हाइड्राइड सल्फेट मिलता है, और इथाइल हाइड्राइड सल्फेट जो होता है यह सेकेंड वाले स्टेप में अगेन रिएक्शन करता है एथेनॉल के साथ में, और यहाँ से अगेन आप उनको H2SO4 वापस मिल जाता है, और रिमेनिंग पार्ट में अपने को क्या मिला है? डाई इथाइल ईथर मिला है। ओके, तो डाई इथाइल ईथर का फॉर्मेशन किया जाता है मोस्टली ईथर में अपन जो बनाते हैं, जिसका फॉर्मेशन किया जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल डाई इथाइल ईथर को ही प्रायोरिटी दी जाती है। उसका क्या रीजन है नेक्स्ट अपन इसके बारे में स्टडी करेंगे। ओके, दैट इज फर्स्ट मेथड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डाई इथाइल ईथर। नाउ वी सी द सेकेंड मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर। सेकेंड मेथड इज विलियमसन्स मेथड, वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। विलियमसन मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ईथर्स। इन दिस वी यूज एल्किल हैलाइड्स। दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस मेथड वी यूज एल्किल हैलाइड विच रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ अदर एल्किल हैलाइड एंड फॉर्मेशन ऑफ
इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल एंड फॉर्मेशन ऑफ ईथर टेक प्लेस दैट इज प्रोसेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ईथर इज कॉल्ड विलियमसन सिंथेसिस या विलियमसन मेथड कहलाते हैं. दैट मीन्स एल्किल हैलाइड में अपन यूज कर सकते हैं एक्स इक्वल टू मे बी क्लोरीन मे बी ब्रोमीन मे बी आयोडीन. ओके, इनकी अकॉर्डिंग सोडियम ऑक्सो एल्किल डेरिवेटिव है. दैट मीन्स एल्केन का डेरिवेटिव है. ये फॉर्मेशन कहाँ से अपन ने किया, इसकी अपन रिएक्शन कराएं तो आर ओ एच एल्कोहल होता है. इसकी रिएक्शन अपन कराते हैं एन ए ओ एच से. इस वाले पार्ट में से ये वाला पार्ट यहाँ से रिमूव हो जाता है और आपको किसका फॉर्मेशन मिल जाता है, एन ए ओ आर का फॉर्मेशन हो जाता है. ये कहलाता है एल्कोक्सी, सोडियम एल्कोक्साइड. क्या नाम रहेगा इसका, इसका नाम कहलाएगा सोडियम एल्कोक्साइड. सोडियम एल्कोक्साइड, ओके, सोडियम एल्कोक्साइड है. ये एल्किल हैलाइड से रिएक्शन कर रहा है और एल्किल हैलाइड से रिएक्शन के रिजल्ट में आपको किसका फॉर्मेशन हो रहा है, डाई एल्काइल ईथर. ओके, ये कंपाउंड अपने पास में बन जाते हैं. ये प्रोसेस कौन सा कहलाता है, ये वाला जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं विलियमसन मेथड. और इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स, बिकॉज दैट इज ए जस्ट लाइक ए विलियमसन प्रोसेस इज यूज मोस्टली फॉर्मेशन ऑफ 1 degree, 2 degree, 3 degree टाइप हैलाइड्स अकॉर्डिंग. इन दिस प्रोसेस वी मोस्टली यूज 1 degree हैलाइड. कितना डिग्री हैलाइड यूज करते हैं इसमें, मोस्टली 1 degree हैलाइड को प्रायोरिटी दी जाती है. क्यों, उसका रीजन है मोस्टली एल्किल हैलाइड जो यूज किए जाते हैं वो कितने डिग्री यूज करते हैं, 1 degree हैलाइड को प्रायोरिटी दी जाती है. दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल अगर अपन यूज करें तो यहाँ पर R इक्वल टू क्या हो सकता है, वी कैन पुट अप R इक्वल टू CH3 या वी कैन यूज ऑल्सो CH3CH2. दैट इज ऑल्सो यूज R इक्वल टू वी यूज CH3CH2 देन देर विल बी फॉर्मेशन ऑफ इफ वी यूज R इक्वल टू C2H5 तो दैट इज कॉल्ड डाइथाइल ईथर. ओके, तो मोस्टली अपन डाइथाइल ईथर का ही फॉर्मेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर R का वैल्यू क्या पुट अप करेंगे, CH3C2H2. दैट मीन्स C2H5 यानी एथिल ग्रुप को अपन यहाँ पर यूज करेंगे. और एथिल ग्रुप अगर अपन यहाँ पर रख रहे हैं तो दैट मीन्स अपने किसका फॉर्मेशन मिलेगा, डाइथाइल ईथर का फॉर्मेशन मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल वी कैन सी इफ R इक्वल टू अगर पुट अप करते हैं अपन C2H5 और X इक्वल टू यूज कर लिया मैंने आयोडीन. ये एग्जाम्पल है इस रिएक्शन का. उसकी रिएक्शन अपन करा रहे हैं किससे, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल दैट इज ROH. इन दिस प्रोसेस देर विल बी फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट. प्रोडक्ट क्या बनेगा, इस वाले प्रोडक्ट जो बनने वाला है वो रहेगा C2H5O C2H5. दैट मीन्स यहाँ पर भी अपन क्या यूज कर रहे हैं, C2H5 को यूज कर रहे हैं. और इस प्रोसेस के अंदर मोस्टली अपन जो यूज करते हैं ये प्रोसेस जो है ये मोस्टली नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर ही होता है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर होता है. दैट मीन्स इस वाले पार्ट में देखो स्टूडेंट्स, इस वाले पार्ट में अगर ये वाला पार्ट है ये यहाँ से रिमूव हो जाता है ये पार्ट, तो यहाँ से किसका फॉर्मेशन हो गया, H2O का फॉर्मेशन हो गया. ओके, ये वाला पार्ट यहाँ से रिमूव हो गया. NaOC2H5 है, ये रिएक्शन किससे करेगा, जस्ट लाइक इसी की तरह है NaOC2H5 से रिएक्शन करेगा. यहाँ से X ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और इस वाले पार्ट में से ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा. जैसे बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो रहा है C2H5 यहाँ से C2H5 यहाँ से आयोडीन वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट यहाँ से रिमूव होगा किसके साथ में, NaOH के रूप में. दैट मीन्स ये वाला पार्ट यहाँ से रिमूव हो गया है, NaOH के फॉर्मेशन का फॉर्मेशन हो गया दस लाइक NaOH की तरह. ओके, दैट मीन्स NaOH का फॉर्मेशन होने के बाद क्या बच गया, C2H5 रिमेनिंग पार्ट OC2H5 दैट इज कॉल्ड डाइथाइल ईथर. क्या कहलाएगा, ये डाइथाइल ईथर कहलाएगा. ओके,
ये जो केमिकल रिएक्शन है, ये केमिकल रिएक्शन कौन सी कहलाएगी? मेथड ऑफ प्रिपरेशन का मेन पार्ट है कौन सा? विलियमसन सिंथेसिस है, ये सेकंड मेथड था जो ईथर बनाने का सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है। फर्स्ट मेथड अपन ने लेबोरेटरी मेथड में देखा था, मोस्टली कंसंट्रेट H2SO4 को ही यूज करते हैं, बट इसमें विलियमसन ईथर संश्लेषण में अपन एल्कोहल को यूज करते हैं, साथ में किसको यूज करते हैं? बेस को यूज करते हैं। बेस कौन है? सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज कर रहे हैं। इसके फॉर्मेशन से क्या मिल रहा है आपको? सोडियम एल्कोक्साइड मिल रहा है। सोडियम एल्कोक्साइड है वो किससे रिएक्शन कर रहा है? एल्किल हैलाइड से रिएक्शन कर रहा है। सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या है? एल्किल हैलाइड अपन जो है वो 1 डिग्री हैलाइड को प्रायोरिटी देते हैं। क्यों? क्योंकि 1 डिग्री हैलाइड होता है वो मोर रिएक्टिव होता है कंपेयर टू किसके? 2 डिग्री एंड 3 डिग्री हैलाइड किसके लिए? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ईथर। उसका रीजन क्या है? 2 डिग्री एंड जो 3 डिग्री हैलाइड्स होते हैं वो मोस्टली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते, दैट गिव्स एलिमिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन देते हैं? एलिमिनेशन रिएक्शंस देते हैं। और एग्जांपल अपन देखने वाले हैं अभी एलिमिनेशन रिएक्शन किस टाइप से देते हैं। अगर मैं यहाँ पे 3 डिग्री हैलाइड्स को यूज करता हूँ तो रिएक्शन होगी या नहीं होगी, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि 1 डिग्री हैलाइड ही SN2 रिएक्शन के थ्रू किसका फॉर्मेशन करते हैं? मोस्टली ईथर का फॉर्मेशन करते हैं। इफ वी यूज 3 डिग्री हैलाइड, अगर मैं आप 3 डिग्री हैलाइड को यूज कर रहा हूँ, उसकी रिएक्शन अगर अपन कराते हैं किसकी प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, देन देयर विल बी रिएक्शन टेक प्लेस, दैट रिएक्शन विल बी मोस्टली फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन, बिकॉज देयर विल बी रिएक्शन टेक प्लेस, दैट इज एलिमिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होगी यहाँ पे? एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाती है। और एलिमिनेशन रिएक्शन क्यों हो रही है? बिकॉज उसका कारण है मैंने कितने डिग्री हैलाइड यूज किया? 3 डिग्री हैलाइड को यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। और 3 डिग्री हैलाइड अगर मैं यूज करता हूँ तो यहाँ पर SN2 रिएक्शन नहीं होती है, प्रायोरिटी किसको दी जाती है? ये SN2 रिएक्शन सिर्फ किसमें होती है? 1 डिग्री हैलाइड के अंदर पासली होती है। जबकि ये कितना डिग्री हैलाइड है भाई? 3 डिग्री हैलाइड को अपन यूज कर रहे हैं और 3 डिग्री हैलाइड सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करता है, तो इसके फलस्वरूप आपको किसका कौन सा प्रोडक्ट मिलता है? एलिमिनेटेड प्रोडक्ट मिलता है, यानी एल्कीन डेरिवेटिव आपको मिल जाता है। दैट मीन्स एल्कीन डेरिवेटिव आपको यहाँ पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन मिल जाता है। ये वाली कौन सी रिएक्शन है? एलिमिनेशन रिएक्शन का प्रोसेस यहाँ पर हो जाता है। इसलिए विलियमसन ईथर संश्लेषण में कौन से हैलाइड को प्रायोरिटी दी जाती है यूज करने के अंदर? 1 डिग्री हैलाइड को प्रायोरिटी दी जाती है कंपेयर टू 2 डिग्री एंड 3 डिग्री हैलाइड्स, बिकॉज 2 डिग्री एंड 3 डिग्री हैलाइड्स गिव्स फास्टली एलिमिनेशन रिएक्शन कंपेयर टू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ओके, तो दैट इज विलियमसन ईथर संश्लेषण मेथड। ओके, इन दिस वी सी ऑलरेडी टू मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ईथर्स, दैट इज ओनली टू ही मेथड यूज करते हैं इसके अंदर। एक था अपना लेबोरेटरी मेथड और सेकेंड वाला कौन सा स्टूडेंट्स? एक अपन यूज कर रहे हैं विलियमसन ईथर का फॉर्मेशन। ओके, ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, जरा इस पर जरा फोकस करना। ओके, इन नेक्स्ट वी सी द केमिकल प्रॉपर्टी एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर। थैंक यू सो मच।